अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से और ठीक होंगे। सोच रहे होंगे कि मैं काफ़ी टाइम के बाद YouTube पर कोई वीडियो अपलोड कर रही हूं, तो जी हां, मैं काफ़ी टाइम के बाद YouTube पर वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूं क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। ऐसा नहीं कि मेरे पास कॉन्टेंट नहीं था वीडियो बनाने के लिए या वीडियो अपलोड करने के लिए, कॉन्टेंट मेरे पास बहुत सारा था अपलोड करने के लिए, बस ज़रा सी डीमोटिवेशन हो गई थी जिसकी वजह से मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी। लोगों के माइंड में एक सवाल आया होगा कि मुझे मोटिवेशन क्यों नहीं मिल रही थी। मुझे मोटिवेशन इसलिए नहीं मिल रही थी कोई भी काम करने के लिए क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि बंदा कहीं आते जाते भी डर रहा है। आजकल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप इस कंडीशन में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और कहीं फजूल आने जाने से एहतियात करें। मुझे शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि जब ऑनलाइन शॉपिंग में सब कुछ आपको मिल रहा है इजीली, तो घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। मैंने भी डिफरेंट ब्रांड से डिफरेंट चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की हैं, आप लोग सामने मेरे पार्सल्स देख सकते हैं। मैं वन बाय वन आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊंगी कि कौन से ब्रांड पे कितने परसेंट ऑफ सेल लगी हुई है, ताकि आप लोग सेल भी अवेल करना चाहते हैं तो आप सेल भी अवेल कर सकते हैं। जी, फर्स्ट हम लोग अनबॉक्सिंग अपनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पार्सल जो है वो है निशात की तरफ से, निशात लीलन की तरफ से। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या मंगवाया। सूट जो था वो मैंने सेल से अवेल किया था और ये सूट जो है वो टू पीस सूट है। रात का फैब्रिक तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मैं इसके फैब्रिक पे आंखें बंद करके यकीन करती हूँ, फैब्रिक का कोई इशू नहीं होता। ये टू पीस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था और मैंने सेल से अवेल किया था। मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। वन इज़ दिस शर्ट, ये शर्ट का कपड़ा है और दिस वन इज़ ट्राउज़र का कपड़ा, ठीक है। ट्राउज़र का कपड़ा ये देखिए इस तरीके से है, ये देखें लॉन है पूरी, बहुत ही मज़े का फैब्रिक होता है निशात वालों का। एंड शर्ट का कपड़ा ये देखिए आप लोग, मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसके साइड पे बॉर्डर भी है, ये देखिए इसका बॉर्डर है। जब इसकी शर्ट बनेगी या कुर्ती बनेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। की प्राइसेस, इसकी पिक्चर, इसकी वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चार वनों की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और इसके बाद मैं एक पिक्चर शो करूंगी वीडियो में, जिस पर आपको प्राइसेस वगैरह हर एक चीज़ शो हो जाएगी। बारी आती है हमारे सेकंड पार्सल की, जो कि मैंने ऑर्डर किया है सेलिटेक्स वनों से। इसको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या मंगवाया। मैंने सेलिटेक्स से 3 सूट्स ऑर्डर किए थे जो कि नॉर्मल रूटीन ये आप घर में पहन सकते हैं, विदाउट एम्ब्रॉयडरी सूट्स हैं, प्राइसेस बहुत ही अफोर्डेबल हैं और आप किसी को गिफ्ट्स भी दे सकते हैं ये सूट्स। सारे के सारे सूट्स लॉन के हैं विदाउट एम्ब्रॉयडरी। जो एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स हैं वो मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद, गर्मियों के कपड़ों में स्पेशली, क्योंकि वो एम्ब्रॉयडरी फिर आपको चुभती है और गर्मी लगती है एम्ब्रॉयडरी के कपड़ों में। मेरे पास कोई भी पार्सल आता है मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता, मैं फ़ौरन ही उसको खोल देती हूँ, और कपड़ों का तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता। तो मैं इन कपड़ों को पहले ही खोल के देख चुकी थी, अब आप देख सकते हैं इनके कंडीशन के, मैंने किस तरीके से इसको वापस तय लगाई है। एनीवेज, साथ सूट की जो पिक्चर वाला पेपर आया था वो मुझसे मिसप्लेस हो गया है कहीं, तो मैं आपको इसको ओपन करके ही दिखा सकती हूँ और लास्ट में इसकी पिक्चर डाल दूँगी नेट से उठा के, कि आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइसेस वगैरह उसमें लिखी हुई होंगी। जी, ये डार्क पर्पल कलर है जो कि है बहुत ही ज़्यादा हसीन। आपको यहाँ ब्लैक लग रहा होगा ये, लेकिन ये डार्क पर्पल कलर है। एंड ये कपड़ा जो है ये है शर्ट का कपड़ा, कि कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं, बिल्कुल सिंपल से सूट्स हैं घर में पहनने के लिए या कहीं आने जाने में पहनने के लिए, बहुत ही सिंपल सूट्स हैं। ये वाला सूट मैं अपने घर के लिए स्टिच करवाऊंगी, बहुत ही सिंपल है। ये इसका फ्रंट है, मैं आपको इसका बैक भी दिखा देती हूँ। ये इसके बैक का कपड़ा है, ये पूरा इसका बैक है, लेंथ आप लोग खुद देख सकते हैं। एंड दिस वन इज़ स्लीव्स का कपड़ा, फैब्रिक भी इसका अच्छा है। दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप लोग देख सकते हैं कि दुपट्टे पे फुल प्रिंट वाला दुपट्टा है ये, एंड प्यारा सा पर्पल कलर है ये, आप लोग देखें।
अब बारी आती है सैली डेक्स के सेकंड सूट की। इसका पेपर भी मुझसे गुम हो चुका है, मैं इसकी पिक्चर भी आप लोगों को दिखा दूंगी लास्ट में। लेट्स ओपन इट। दिस वन इज दुपट्टा। पहले हम दुपट्टा देख लेते हैं। देखिए ये दुपट्टा है इसका, फुल प्रिंट दुपट्टा है, कलर्स बहुत ही मज़े के हैं। ये पूरा दुपट्टा है, ठीक है जी। इसके साथ ट्राउज़र का कपड़ा है, ये है ब्लैक कलर का, ब्लैक ट्राउज़र बनेगा इसका। एंड दिस वन इज़ शर्ट। देखिए ये इसकी शर्ट है, शर्ट पे ब्लैक कलर का बीच में पैनल डला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पैनल अलग से डला हुआ है, लेकिन पैनल अलग से नहीं डला हुआ। इसकी प्रिंट ऐसी है, खूब सिलने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड इसका बॉर्डर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बॉर्डर इस तरीके से है शर्ट का, ठीक है। एंड इसकी बैक भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। इसकी बैक इस तरीके से प्रिंटेड है एंड ये हल्का सा बॉर्डर है इसका लास्ट में। ये जो पूरा कपड़ा है ये है स्लीव्स का कपड़ा, स्लीव्स अटैच हैं इसके साथ। इस पीस की जो है वो प्रिंटेड है, यू कैन सी। बारी आती है सैली डेक्स के लास्ट सूट की। ये भी मैंने घर में पहनने के लिए ऑर्डर किया था। बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है ब्राउन एंड ब्लैक का। इसका पेपर मेरे पास है, ये देखें, आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ इसको। ये देखिए जी, है ना प्यारा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको सैली डेक्स का कौन सा सूट ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसको ओपन करते हैं। दिस वन इज ट्राउज़र का कपड़ा, ये ट्राउज़र का कपड़ा है, ठीक है जी। एंड दिस वन इज शर्ट का कपड़ा, आई थिंक यस शर्ट का कपड़ा। मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको। घर में पहनने के लिए कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अफोर्डेबल भी हैं, प्लस के ब्रांड के कपड़े आपको नॉर्मल प्राइस में मिल रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कलर्स आप खुद चेकआउट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सबके। ये देखिए ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक का कपड़ा है, ये पूरी इसकी बैक है। इस सूट का दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा था मुझे, इसलिए मैंने सूट को ऑर्डर किया था। मैं आपको इसका दुपट्टा भी दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये इस ब्राउन वाले सूट का दुपट्टा है। इस दुपट्टे की वजह से सूट पे मेरा दिल आ गया था। आप लोग देख सकते हैं दुपट्टा कितना ज़्यादा प्यारा है। सैली डेक्स के कपड़े हो गए हमारे ख़त्म। अब हमारे पास दो पार्सल्स बचे हैं, एक में मैंने कुछ और मंगवाया था और एक में मैंने मंगवाई थी लाइम लाइट की कुर्तियाँ। पहले लाइम लाइट की कुर्तियाँ दिखाने से पहले मैं आपको शो करती हूँ कि इसमें क्या है, देन में हम लोग आते हैं लाइम लाइट की कुर्तियों के ऊपर। ये ऑर्डर किया था मैंने इंस्टा पे एक पेज से, जिनका नाम है एडी कलेक्शंस, और मैं उनकी सर्विसेज से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई। एंड मैं उनकी पेज से और कुछ ऑर्डर करूँगी तो मैं आपसे ज़रूर, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। चले मैं आपको शो करती हूँ कि मैंने उनसे क्या ऑर्डर किया था। मैंने उनसे ऑर्डर किया था ये फेस एंड बॉडी हेयर थ्रेडनिंग सिस्टम। सैलॉन्स पे जाने से भी डर लग रहा है आजकल, क्योंकि वायरस का इतना ज़्यादा डर बैठ गया है सबके माइंड्स में। मैंने तो भाई ये रिस्क लेना ही नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना हम लोग घर पे मंगवा के और खुद ही यूज़ करें, अपने आईब्रोज ट्रिम करें। मैं आपको दिखाती हूँ ओपन करके भी कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है या इसके अंदर है क्या। पहले जी इसके साथ इसका बुकलेट आता है जिसमें लिखा हुआ है कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। उसके बाद आता है एडी कलेक्शंस वालों का कार्ड, जिनसे मैंने ये चीज़ें ऑर्डर की थी।
मैं इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने भी कुछ मंगवाना है तो उनसे मंगवा सकते हैं, इनकी सर्विसेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। देन ये आता है इसके अंदर, जिसमें एक थ्रेड लगा हुआ है। इसको यूज़ किस तरीके से करना है, इसको यूज़ करना है ऐसे, ठीक है। अब इसके नीचे जितने भी बाल होंगे वो आपके सारे के सारे ट्रिम होते जाएंगे, बट बी केयरफुल, आराम आराम से कीजिएगा तब भी इसको यूज़ करना होगा। एंड इसके काफ़ी सारे थ्रेड्स भी आते हैं, अगर आपका वो थ्रेड ख़राब हो जाए तो आप इसके जगह पे दूसरे थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं अपनी मशीन में। जी एडी कलेक्शंस वालों ने मेरे ऑर्डर के साथ मुझे एक गिफ्ट भेजा था, वो गिफ्ट है ये हैंगर। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसमें एक साथ अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। बहुत सारी हैंगर्स एक साथ बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करती हैं, लेकिन एक ही हैंगर में आप डिफरेंट हैंगर्स डाल के अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एडी कलेक्शंस फॉर सेंडिंग दिस गिफ्ट टू मी। अब बारी आती है हमारे लास्ट पार्सल की, जो कि है लाइम लाइट वालों की तरफ से, और यहाँ से मैंने जो ऑर्डर किया था मैं आपको अभी दिखाती हूँ। चले जी मैंने खोल लिया है, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से मैंने क्या मंगवाया था। ओके, इस वेबसाइट से मैंने कुर्तियाँ मंगवाई थी, यू कैन सी ये वन पीस कुर्तियाँ हैं, कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है, कॉम्बिनेशन चेक करें आप, एंड इसकी प्राइस है 1199 यानी कि अराउंड 1200। लॉन की शर्ट है, कलर ब्लैक है, वन पीस में है, आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट भी, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, बैग से निकालने के बाद ये कलर्स कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और इसकी स्टिचिंग अगर अच्छे तरीके से करवाई जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हसीन कुर्ती बनेगी। आपको दिखाती हूँ कि मैंने सेकेंड चीज़ क्या मंगवाई थी। सेकेंड चीज़ में मैंने कुर्ती मंगवाई थी इनसे, जो कि है 1000 की, अराउंड 1000। ये भी लॉन की वन पीस शर्ट है, कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, अकॉर्डिंग टू समर लाइट कलर समर में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको इसको निकाल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी ही प्यारी प्रिंट है इसकी, फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका। मैं ये शर्ट तो भाई अपने ईद के लिए ज़रूर सिलवाऊँगी। आप इनकी वेबसाइट मेरी डिस्क्रिप्शन से उठा सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि इनके कलेक्शन में क्या क्या अभी अवेलेबल है। और सबकी बहुत मज़े की कलेक्शन है, दिल करता है कि सारे के सारे कपड़े ऑर्डर कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।